स्वागत है आप सभी लोगों का। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बढ़ो आगे, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और वीडियो को कर देना लाइक। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज से हम स्टडी कंप्लीट करेंगे और कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्टेप बाय स्टेप आपको हम करा के चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। और सबसे पहले डेफिनेशन शुरू करता हूँ नंबर सिस्टम की। डेफिनेशन शायद आप सभी लोग जानते होंगे कि भाई हमने अभी देखा कि हम आज संख्या पद्धति स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम नंबर क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, यानी ये नंबर और सिस्टम है क्या। तो अगर मैं मोटी सी बात आपसे कहूँ नंबर और सिस्टम को लेकर के, तो नंबर प्लस सिस्टम। और सिस्टम क्या होता है? जहाँ पर आप चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से अरेंज करते हैं, जिसके थ्रू आपको हर एक चीज के बारे में पता लग जाता है। तो हम कह सकते हैं संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। और इसके लिए हम फिक्स्ड कुछ सिंबल्स हैं उनका प्रयोग करते हैं, जिनकी संख्याएं निश्चित होती हैं, और हम हर प्रतीकों का प्रयोग करके हम अलग अलग तरह की संख्याएं निरूपित करते हैं। इसके साथ साथ बता दूं संख्या पद्धति मेन तीन संख्या पद्धति आपके पेपर में आती हैं, और शायद तीनों ही आपको इनके नाम से परिचित होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दशमिक पद्धति, जिसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। सेकेंडरी इज बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको आप बाइनरी नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। और थर्ड वन होती है रोमन पद्धति, जिसको आप रोमन नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ इन पद्धतियों के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दशमिक पद्धति आई कहाँ से, क्योंकि ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इस पर भी सवाल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वो कैसे पूछा जाता है वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड पर बताता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले नंबर सिस्टम की, तो सबसे पहले हम रोमन नंबर सिस्टम को पढ़ते थे। सबसे पहले हम रोमन अंकों को पढ़ते थे, जिसमें हम रोमन नंबर के बारे में जानकारी लेते थे। और रोमन नंबर पढ़ते समय आप कुल मिलाकर सात सिंबल, यानी सात सिंबल का प्रयोग करते थे। जिन सात सिंबल में कौन कौन से सिंबल मैं आपको बता देता हूँ, और शायद आपको उन सिंबल्स के बारे में पता भी होगा, शायद डीप जानकारी भी होगी, लेकिन एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। जिनको नहीं पता वो पूरा समझेंगे। तो सेवंथ सिंबल दैट इज ये डी एन एम, दीज आर सेवन सिंबल्स। इन सात सिंबल की सहायता से आप रोमन नंबर सिस्टम को पढ़ते थे, जिनमें इन सात सिंबल में आप केवल सात सिंबल को आगे पीछे करके आप लिखते थे। अब ये रोमन नंबर सिस्टम मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको सिर्फ डिटेल बता रहा हूँ कि रोमन नंबर सिस्टम को हमने आखिरकार क्यों छोड़ दिया, क्यों हमें एक नई पद्धति की जरूरत पड़ी। ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई हम अब नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं, तो उसकी आवश्यकता क्यों आई, क्यों हमने रोमन नंबर को छोड़ दिया। तो रोमन नंबर को छोड़ने के दो मुख्य रीजन थे, दो मेन कारण थे, दो मेन कॉजेस थे। एक था इसमें शून्य का कोई स्थान नहीं था, शून्य का परिचय इस सिस्टम में नहीं दिया गया था। और दूसरा था स्थानीय मान, यानी प्लेस वैल्यू, इसमें स्थानीय मान का कोई भी जिक्र नहीं था। जबकि हमें एक ऐसा नंबर सिस्टम चाहिए था, जीरो का डेवलपमेंट हो चुका था, प्लेस वैल्यूज का हमें प्रॉब्लम हो रही थी बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखने में, तो हमें एक ऐसी पद्धति चाहिए थी जिसमें ये दोनों चीज़ों का प्रयोग किया जाए। तो रोमन नंबर सिस्टम को बदल करके हमने एक नया सिस्टम अपनाया, जिसको कहा गया हिंदू अरबी। आपने नाम सुना होगा, पेपर में भी आता है, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति, हिंदू अरबिक सिस्टम, जिसको आप करंटली डेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इस नंबर सिस्टम को अपनाया गया, इसको छोड़ दिया गया, क्यों? क्योंकि जीरो का परिचय नहीं था और स्थानीय मान का कोई भी इसमें जिक्र नहीं था। तो हमें एक नई पद्धति की आवश्यकता पड़ी, जिसको हमने डेसिमल नंबर सिस्टम, और प्रारंभ में इसको हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति के नाम से जाना गया। इज इट क्लियर? तो डेसिमल नंबर सिस्टम पर चलते हैं और बात करते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम को आपने कैसे समझा। अगर आप रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते हैं रोमन नंबर सिस्टम पढ़ना, तो डिस्क्रिप्शन में तो मैंने सब कुछ दे ही दिया है। साथ साथ में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि रोमन नंबर सिस्टम को डिटेल में पढ़ना है, तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम रोमन नंबर सिस्टम का एक चैप्टर अलग से आपको पढ़ा दें, ठीक है। हालांकि आज हमारा मानना है, आज हम बात करेंगे दशमिक संख्या पद्धति पर, डेसिमल नंबर सिस्टम पर। अब ये क्या होता है? तो दशमलव पद्धति, दशमिक संख्या पद्धति या फिर दशाधारी, इनके अलग अलग नाम हैं। नाम सारे हैं लेकिन हम अलग अलग नाम से इनको जानते हैं। इसको डेसिमल सिस्टम अंग्रेजी में बेस टेन डेनरी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर इसको डेसिमल नंबर कहा गया क्यों?
बेस 10 कहा गया क्यों और डेंड्री कहा गया क्यों? इसलिए कहा गया क्योंकि इस पद्धति में कुल कैलकुलेशन करने के लिए 10 अंकों का सहारा लिया गया, जो आपके सामने लिखे हैं 0 से लेकर के 9 तक टोटल 10 अंक थे, जिसके आधार पर इस पद्धति का नाम हमने दशमिक पद्धति रखा, बेस 10 कहा। अब बेस 10 क्यों कहा उसको भी मैं समझा देता हूं, क्योंकि वो भी जरूरी जानना है कि भाई इसको बेस 10 क्यों कहते हैं। क्योंकि जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो आप इस तरह से पढ़ते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह से ये आपका अंक चलते हैं जो आप पढ़ते स्थानीय मान पर, और लाख। तो जनरली हम जानते हैं यूनिट का वैल्यू 1, डेसिम 10th, 100, 1000, 10,000 और 1 लाख। हम हर स्थान का वैल्यू इस तरह से डिनोट करते चले जाते हैं, ये सब जानते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इन सबका बेस 10 है। कैसे 10 है मैं आपको बताता हूं। अगर मैं इकाई को लिखना चाहता हूं, मैं इसको 10 की पावर 0 लिख सकता हूं, क्योंकि 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। मैं 10 की पावर 1 लिख सकता हूं, 10 की पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5। यानी क्या समझे, हर एक प्लेस का वैल्यू 10 की घात में डिनोट है, 10 की पावर में डिनोट किया जाता है। इसीलिए इस पद्धति को बेस 10 पद्धति या दशमिक पद्धति या दशाधारी या डेनरी पद्धति कहा गया। इज इट क्लियर? गुड इवनिंग टू एवरीवन। ये बात समझ में आ गई मैंने क्या बताई आपको? यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्यों इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहा गया, क्यों इसको दशमिक पद्धति कहा गया? अब ये सब डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब हम पढ़ते तो सारे हैं, अब तो ये बेसिक क्लियर हुआ है कि दशमिक पद्धति होती क्या है। बेसिकली हम इन चीजों पर बहुत फोकस करते हैं कि गणित में संख्या पद्धति पढ़ते समय, और याद रखिएगा कोई भी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 नंबर का आपको हमेशा 3 से 4 अंक का आपको नंबर सिस्टम से मिलता है। इसलिए छोटा चैप्टर नहीं है, हम सिर्फ संख्याओं को समझ करके पढ़ करके छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन निकलते हैं वो हम मिस कर देते हैं। तो उन बेसिक क्वेश्चंस को समझना है, उन बेसिक फंडामेंटल चीजों को समझना है। नंबर तो आप सब जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य अभाज्य सहअभाज्य, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय, वास्तविक अवास्तविक या काल्पनिक, इन सब संख्याओं के नाम से आप सब परिचित हैं। लेकिन बेसिकली संख्याओं की प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे ये संख्याएं आप पर प्रभाव डालती हैं, आपके पेपर पर प्रभाव डालती हैं, कैसे सवाल निकलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्राकृत संख्याओं के बारे में, जिनको आप नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं, इसको नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो नेचुरल नंबर कहां प्रयोग होते हैं पहले उसको समझेंगे। नेचुरल नंबर मेनली कॉमनली हम किसी चीज की काउंटिंग करने के पर्पज से यूज करते हैं, काउंटिंग जानते हैं, गिनती गिनने के पर्पज से। तो हम हमेशा याद रखिएगा जब हम गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो हम नेचुरल नंबर का सहारा लेते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और एन तक जाते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है। इसके बाद में क्या निकलता है उसको समझते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम समझ में आया क्या है, नेचुरल नंबर सिस्टम पता लगे यहां से यहां तक, लेकिन ये किन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं और किन चीजों को फॉलो करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। दशमलव का प्रयोग नहीं होता, यानी अगर कोई नंबर 2.5 डिनोट करते हैं तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि दशमलव वाले अंकों का प्रयोग वर्जित है। भिन्नों के रूप में नहीं होंगे, यानी अगर आप कहेंगे 2/3, 4/5, तो ऐसे नंबर भी नेचुरल नंबर सिस्टम में नहीं आते, उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। और ये 0 से शुरू नहीं होते हैं, यानी नेचुरल नंबर 0 का प्रयोग तो करते हैं लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं, यानी ये सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर इसमें नहीं आते। तो ये नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी थोड़ी सी थी जो आपने समझी। इसके साथ साथ सवाल कैसे बनता है उसको मैं थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 ऑपरेशन होते हैं आपके, प्लस, माइनस, गुणा और भाग, और प्रश्न कैसे आता है कि 2 प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा कैसा होता है। जनरली आपने पेपर में देखा होगा कि 2 प्राकृत संख्याओं का योग या घटा या गुणा या भाग क्या होता है, तो इस चीज को समझने की हम कोशिश करते हैं। क्या होता है उसको समझिएगा। अगर मैं 2 प्राइम नंबर्स को जोड़ता हूं, सॉरी 2 नेचुरल नंबर को जोड़ता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने 5 में 4 को जोड़ा तो क्या मिला 9, मैंने 7 में 5 जोड़ा तो क्या मिला 12,
यानी आप जब प्राकृत संख्या में नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो आपको हमेशा नेचुरल नंबर ही प्राप्त होता है, और इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको? अभी पेपर में आया था सीटेट में, क्लोजर प्रॉपर्टी। नहीं इवन नहीं होगा निता, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अभी आपने समझा होगा क्लोजर प्रॉपर्टी पेपर में आया था, हिंदी में इसको संवरक नियम बोलते हैं। संवरक नियम क्या कहता है कि जिस प्रॉपर्टी का एलिमेंट लिया है आफ्टर ऑपरेशन वो वही प्रॉपर्टी का एलिमेंट रहे तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर उसको हम संवरक नियम के नाम से जानते हैं। पेपर में था ये भी, ठीक है ना। फिर बात करते हैं नेगेटिव की। अगर हम दो प्राकृत संख्याओं को घटाएं, ओके, मैंने कहा यहां पर घटाना देख लेते हैं। मैंने कहा 8 - 3 = 5, मैंने कहा 6 - 2 = 4। अभी तक तो ठीक है कि आपने कहा प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या को घटाया तो 5 भी प्राकृत संख्या होती प्राप्त हो गई, तो प्राकृत संख्याओं को घटाने पर आपको प्राकृत संख्या प्राप्त हो रही है। लेकिन अब क्या, अगर मैं कहूं कि 3 - 8 तो आपको तो -5 मिल गया, यानी ये तो नेगेटिव नंबर आ गया। तो आप क्या कह सकते हैं कि दो प्राकृत संख्याओं का घटा प्राकृत नहीं होता, हमेशा प्राकृत नहीं होता, वो प्राकृत भी हो सकता है और वो अप्राकृत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्याओं में नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर रखे जाते हैं, नेगेटिव को नहीं रखते, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। यानी दो प्राकृत संख्याओं का घटाना क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ये समझते रहिएगा, यहीं से सवाल निकलेगा। ये तो सबको पता है कि नेचुरल नंबर क्या है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज पर सवाल आपको सबसे ज्यादा टेट में बन रहे हैं और वो आने वाले समय में आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे भी। हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई का सेक्शन लेते हैं। आपने कहा कि सर अगर हम 2 में 3 की मल्टीप्लाई करते तो 6 मिलता है, 3 में 2 की करते तो भी 6 मिलता है, 8 में 2 5 की करते तो 40 मिलता है। आपने कहा 3 में 3 की गुणा करेंगे तो 9 मिलता है। यानी आपने क्या देखा, दो प्राकृत संख्याओं की, दो नेचुरल नंबर की, ज्योति जी गुड इवनिंग, गुणा करने पर आपको हमेशा नेचुरल नंबर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृत संख्याएं गुणा ऑपरेशन के साथ मल्टीप्लीकेशन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं। क्लियर होता जा रहा है ना सब कुछ, कि प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर क्लोज अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, तो गुणा के साथ ये दो प्राकृत संख्याएं हमेशा संवरक नियम का पालन करती हैं। भाग की बात करते हैं। आपने कहा सर 6 में हम 2 का डिवाइड करें, दो प्राकृत संख्याओं का डिवाइड कर रहा हूं मैं, दो नेचुरल नंबर को डिवाइड कर रहा हूं तो 3 मिला, यानी प्राकृत संख्या प्राप्त होती। लेकिन तब क्या, अगर मैं 2 में 6 का भाग करूं तब तो आपको 1/3 मिलेगा। और आपने अभी पढ़ा कि प्राकृत संख्याओं में भिन्न वाली वैल्यू नहीं आती हैं, और आपने अभी जाना दशमलव वाली वैल्यू प्राकृत संख्याओं में नहीं होती है, तो आपने यहां से क्या निकाला, यहां से निकाला कि ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। यानी दो प्राकृत संख्याओं का डिवीजन, दो प्राकृत संख्याओं का आपस में भाग प्राकृत संख्या नहीं देता है। या आप कह सकते हैं जब प्राकृत दो प्राकृत संख्याएं आपने ली और आपको प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं हुई तो आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, यानी संवरक नियम को फॉलो नहीं करता है। इज इट क्लियर? प्राकृत संख्याओं में कोई डाउट किसी को हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए फिर से कोई नया वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा। ओके, वेरी गुड। अब बात करते हैं, अब तो ये हमने समझ लिया, विशेषता समझ में आ गई, अब बात करते हैं सम संख्याओं की, इवन नंबर्स की, इसको भी समझ लो। जनरली हम एक बात जानते हैं कि जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो इवन, 2 से नहीं कटती हैं वो ओड। बिल्कुल सही कहा आपने और सही सोचा। इवन नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जैसे यहां लिखी है 2, 4, 20, 150, 248, तो वो संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, वो हमेशा सम संख्याएं होती हैं, इवन नंबर्स होती हैं। तो यहां इवन नंबर की प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं एक बार क्या निकलती है। ये तो सिंपल था, इवन नंबर पहचान लिया। तो 4 ऑपरेशन होंगे आपके हमेशा, प्लस माइनस गुणा और भाग। तो आपने क्या देखा, मैं कह रहा हूं दो सम संख्या यानी 2 इवन नंबर्स, पर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं प्लस का। तो मैंने 2 इवन नंबर लिए, 4 + 6 तो क्या हुआ 10।
तो आपने अब देखना, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को आप देख रहे हो तो हमेशा याद रखिएगा जिस प्रॉपर्टी का एलिमेंट आपको दिया है उसी प्रॉपर्टी से चेक करेंगे। तो आपने दो इवन, अब यहाँ नेचुरल नंबर का कंसेप्ट खत्म है, कभी आप सोचे नेचुरल नंबर को पढ़ना ना उसको छोड़ दो। चार और छह को जोड़ा, दो इवन नंबर को जोड़ा तो क्या मिला, इवन नंबर ही मिला। आपने कहा 8 + 10 = 18, दो इवन नंबर का सम हमेशा इवन होता है। बात समझ में आ गई, द सम ऑफ टू इवन नंबर्स ऑलवेज बी इवन, वेरी गुड। तो अब सबट्रैक्शन देखते हैं क्या होता है। आपने कहा 6 में से मैंने 4 घटाया तो 2 आया, और 10 में से मैंने 8 घटाया तो भी 2 आया, मैंने 12 में से 2 घटाया तो 10 आया। यानी आप क्या देख रहे हैं, दो इवन नंबर का सबट्रैक्शन भी इवन आ रहा है। लेकिन आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि सर 2 में से 11 को 10 को घटाएंगे तब क्या आएगा, आपने कहा माइनस का 8 है ना। तो माइनस का 8 क्या है, ये भी इवन नंबर है। याद रखिएगा इवन और ऑड का कोई संबंध नेगेटिव और पॉजिटिव से नहीं होता है, ठीक है। तो हम जनरली क्या करते थे, जैसे माइनस 8 मिला तो हम कहेंगे ये हमारा इवन नहीं है, जबकि वो गलत थिंकिंग है। दो संख्याओं को घटाने पर अगर 8 प्लस का हो या माइनस का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी कहती है कि वो नंबर 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो इवन नंबर है। तो 8 भी, माइनस 8 भी इवन नंबर ही होता है। क्लियर? तो मतलब क्या हुआ, आपने दो नंबर को जोड़ा तो आपको इवन नंबर मिला, दो नंबर को आपने जोड़ा इवन को तो इवन मिला। इसका मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी पास है, यानी संवरक नियम को यह फॉलो करता है। सेम यहां पर देखा आपने, जब दो सम संख्याओं को आपने जोड़ा तो क्लोजर हुआ, जब दो सम संख्याओं को आप घटाते हैं तो आपको इवन नंबर ही मिलता है। इवन माइनस इवन इज इक्वल टू इवन। जब ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाए ना, सम माइनस सम बराबर सम, तो आप समझ लेना आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है, संवरक नियम वेरीफाई हो गया है। तो इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन को मैं यहाँ करूँगा, देखिएगा कैसे। मैंने कहा 2 में 4 की गुणा तो 4 दूनी 8, 6 में 8 की गुणा 48। तो क्या देख रहे हैं आप, यानी दो इवन नंबर की मल्टीप्लाई हमेशा इवन नंबर होती है। तो यानी इवन में इवन की ही मल्टीप्लाई की तो आपको क्या मिला, आपको इवन नंबर ही मिला। और यह क्या कहता है, जब तीनों वैल्यू एक जैसी हो जाएं तो समझ लेना यह प्रॉपर्टी ही क्लोजर है। यानी सम संख्याओं पर प्लस में, माइनस में और गुणा में, तीनों में संवरक नियम यानी क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाइड है, ठीक है ना, याद रहेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाइड है, संवरक नियम वेरीफाइड हो गया। डिवाइड की बात करते हैं, चलो देखते हैं आपने क्या काम किया। आपने 8 में 2 का डिवाइड किया, एक इवन नंबर से इवन नंबर को डिवाइड किया तो 4 मिला, इवन ही मिल गया, ओके कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 6 में 4 का डिवाइड कर दो, तो इवन नंबर से इवन नंबर को डिवाइड किया आपने तो आपको 3/2 मिला, जो कि इवन नहीं है, पूरा नहीं काटेगा 2 उसको। तो यानी क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर वेरीफाई नहीं होती है। बात समझ में आई? तो दो सम संख्याओं का योग, गुणा और घटा, ये तीनों संवरक नियम को फॉलो करता है, जबकि दो सम संख्याओं का भाग इवन नंबर को फॉलो नहीं करता है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, इसी तरह के प्रश्न पेपर में आते हैं और आप समझ भी रहे होंगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है तो नंबर सिस्टम से इसी तरह के प्रश्न निकलते, कोई नहीं पूछता सम संख्या कौन सी है। हाँ, पूछेगा तो इतना कि सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, दैट इज 2, सबसे छोटा इवन नंबर 2 है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी तक क्लियर चल रहा है, वेरी गुड। तो आपने सम संख्याएं देखी, तो विषम संख्याओं को भी देख लेते हैं। अब ऑड नंबर क्या है, विषम संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनको 2 डिवाइड नहीं करता पूरा पूरा, जिनको 2 कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है, तो वो क्या होती हैं, उनको भी समझते हैं, इवन नंबर की प्रॉपर्टी को भी देखते हैं। तो अब बात करते हैं ऑड नंबर की। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 3 लिख देते हैं, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर यानी छोटी अभाज्य विषम संख्या, सबसे छोटी,
क्या होती है, दैट इज वन, सब जानते हैं इसको, कुछ नहीं जानते हैं, मुझे तीन, बहुत से तीन लगाते थे मैंने कई बार देखा, लेकिन सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है, ठीक है। तो भाई अब इस पर भी प्रॉपर्टी लगाते हैं, मैंने कहा चार ऑपरेशन होते हैं हमारे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये चारों ऑपरेशन पर मैं प्रूफ करके देखता हूं कि दो ऑड नंबर का सम क्या होता है, दो ऑड नंबर का डिफरेंसेस क्या होते हैं, दो ऑड नंबर की मल्टीप्लाई क्या कहती है, दो ऑड नंबर का डिवीजन क्या कहता है। ओके, तो मैंने ऑड नंबर की बात की, तो मैंने कहा दो ऑड नंबर लिए, मैंने लिया एक प्लस तीन, आपको क्या मिला चार, अब मैंने कहा ओके पांच प्लस सात बराबर बारह, मैं क्या देख रहा हूं, मैं तो ये देख रहा हूं कि भाई ऑड नंबर को ऑड नंबर में जोड़ा, ऑड को आपने ऑड में ऐड किया तो आंसर आपका इवन आ रहा है, ऑड में ऑड को ऐड करने पर आपका आंसर तो इवन आ रहा है, तो मतलब क्या क्लोजर प्रॉपर्टी तो फॉलो नहीं हो रही है। लेकिन एक प्रॉपर्टी हमें मिली कि दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा आपको सम संख्या प्राप्त होती है ना, तो दो सम संख इवन ऑड नंबर को ऐड करने के बाद आपको इवन नंबर मिलता है, यानी विषम में अगर विषम को जोड़ा जाए तो आपको हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होगी। ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि दो विषम संख्याओं का योग सदैव क्या होगा। ओके, अब बात करते हैं घटाने की, चलो देख लेते हैं। मैंने कहा भाई मैंने तीन में से एक घटाया तो मुझे दो मिला, मैंने सात में से पांच घटाया मुझे दो मिला, मैंने तेरह में से पांच घटाया मुझे आठ मिला। मैं क्या देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि भाई मैं दो ऑड नंबर को सबट्रैक्ट कर रहा हूं और सबट्रैक्ट करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, मुझे तो ऑड नंबर ही मिल रहा है या इवन नंबर मिल रहा है, मुझे तो इवन मिल रहा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सर पांच में से तेरह घटाएं तो आपको माइनस का आठ मिलेगा, लेकिन ये भी इवन नंबर ही, मैंने अभी पीछे वाली स्लाइड में आपको बताया था कि भाई अगर दो नंबर को आप सबट्रैक्ट करते हैं, इवन और ऑड का चक्कर माइनस प्लस से परे है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो माइनस आठ मिला, तो आपने फिर वही नियम निकाला कि अगर मैं ऑड नंबर में से ऑड नंबर को सबट्रैक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है, यानी अगर मैं विषम संख्या से विषम संख्या को घटाता हूं तो हमेशा मुझे सम संख्या प्राप्त होती है। क्लियर हो गया दोनों डाउट, दोनों चीज क्लियर है। तो मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में क्या आता है, ओके हमने कहा, मैंने कहा ऑड नंबर लिया मैंने तीन और पांच, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके मुझे पंद्रह मिला, मैंने ऑड नंबर लिया एक और तीन तो दोनों की मल्टीप्लाई करके तीन मिला, यहां तो क्लोजर प्रॉपर्टी लग रहा फॉलो हो जाएगी, है ना, तो यहां पर तो मुझे फील हो रहा है कि यहां पर तो क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑड नंबर की मल्टीप्लाई ऑड नंबर में कर रहे हैं तो आपको ऑड नंबर ही मिल रहा है, और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्या कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्क नियम क्या कहता है, समवर्क नियम कहता है कि जब दो एलिमेंट्स एक ही प्रॉपर्टी के लिए जाएं और आफ्टर ऑपरेशन आपको उसी प्रॉपर्टी का एलिमेंट मिल जाए तो वो क्लोजर होता है। तो ऑड नंबर हमेशा किसके साथ क्लोजर होंगे, मल्टीप्लीकेशन के साथ, तो ये क्लोजर हो जाएगा, ठीक है, समवर्क इसको बोलते हैं हिंदी में, ये समवर्क हो जाएगा। इज इट क्लियर, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर करते रहना भाई, क्योंकि बिल्कुल डीप पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, जो चीजें आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। अब डिवाइड की बात करते हैं, अगर मैं डिवाइड की बात करता हूं तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, आपने दो ऑड नंबर लिए, नौ में तीन का डिवाइड किया तो तीन आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं पांच में तीन का डिवाइड करूं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा, पांच बटा तीन होगा, जो कि एक ऑड नंबर नहीं है, जो कि एक विषम संख्या नहीं है। तो मतलब क्या समझ में आया कि ऑड नंबर का डिवीजन हमेशा ऑड नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और जब ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। तो अगर मैं ऑड नंबर की बात करता हूं, मैं विषम संख्याओं की बात करता हूं तो प्लस के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी, माइनस के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी, समवर्क नियम नहीं होगा, और डिवाइड के साथ भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी, वो सिर्फ किस पे करेगी, मल्टीप्लाई पर करेगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। चलिए, तो आज हमने इन दो नंबर्स को कवर किया, ठीक है ना, आज हमने चार नंबर पढ़े, अभी आगे पिक्चर बाकी है। तो आगे वाले सेशन में, जो नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में आगे आने वाले नंबर्स की। अभी बहुत सारे बचे हैं, यानी रेशनल, इरेशनल,
कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स, इनके बारे में कल चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।